आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें मैच द कॉलम्स करना है। ये दिया गया है, दो कॉलम्स दे रखे हैं, एक साइड में एक्सट्रैक्शन के लिए रिएक्शंस दे रखी हैं, ठीक है, दूसरी साइड में क्या है, प्रोसेसेस दे रखे हैं। तो हमें उनको मैच करना है कि कौन सी रिएक्शन के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहेंगे। तो देखिए हम कैसे इनको मैच करेंगे। तो पहले हमें दे रखे हैं जो प्रोसेसेस, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, देन हम रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आइए, रोस्टिंग दे रखा है। सबसे पहले रोस्टिंग क्या होता है गाइस? रोस्टिंग जो होता है वो सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ होता है और उनको एक्सेस ऑफ एयर में या फिर प्रेजेंस ऑफ एयर में हीटिंग करते हैं। तो देखिए, सल्फाइड ओर्स आर हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन, ठीक है गाइज। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये सल्फाइड ओर्स है उनको क्या कर देता है, ऑक्साइड बना देता है, ठीक है, टू फॉर्म ऑक्साइड्स। एंड इसके अंदर क्या है, SO2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है, क्योंकि यहाँ पर सल्फाइड ओर्स है उनको अगर हम हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो ये सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, SO2 गैस इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जिंक की बात करें तो ZnS के 3 मोल्स के साथ अगर हम 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की अगर हम क्या करें, रिएक्शन करें 2 मोल्स ऑफ ZnS के 3O2 के साथ, तो क्या करेंगे, अगर हम इसे हीटिंग कर देंगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएंगे 2 मोल्स एंड SO2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस इक्वेशन है, 2 जिंक है, यहाँ पर भी 2 जिंक है, ठीक है, सल्फर के यहाँ पर 2 मोल्स हैं एंड ऑक्सीजन के 6, तो यहाँ पर सल्फर के 2 मोल्स हैं एंड ऑक्सीजन के 2 और 2 4 एंड 2 यहाँ पर 6। तो ये एक बैलेंस इक्वेशन है किसकी, रोस्टिंग की। अब गाइस कैल्सिनेशन है अगला पॉइंट हमारा। तो कैल्सिनेशन में क्या फ़र्क आ जाता है रोस्टिंग की बजाय, इसमें कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं। देखिए, जो सल्फाइड ओर्स है यहाँ पर जो हम ट्रीट कर रहे थे रोस्टिंग के अंदर, उसकी जगह हम यहाँ पर कार्बोनेट ओर्स को क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर्स को इसमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम करते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं बट कार्बोनेट ओर्स को हम ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है गाइज। तो कार्बोनेट ओर्स आर हीटेड, और जो मेन बड़ा चेंज आएगा वो क्या आएगा, एब्सेंस या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। मतलब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या है कि रोस्टिंग में सल्फाइड ओर्स यूज़ करते हैं एंड कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर्स, एंड रोस्टिंग में एक्सेस ऑफ एयर जो है वो प्रेजेंट होती है बट कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर हम रिएक्शन को कैरी आउट करवाते हैं। अब यहाँ पर जैसे सल्फाइड ओर्स थे तो वहाँ पर क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड निकला था, यहाँ पर कार्बोनेट ओर्स हैं तो यहाँ क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड, ओके गाइज। तो ये हमारा इसकी स्टडी हो जाएगी। अब ऐसे ही रिएक्शन अगर हम देखें तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, मान लो ZnCO3 को अगर मैंने हीट किया विद इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये ZnO+CO2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ओके। तो ये हमारा हो गया कैल्सिनेशन प्रोसेस। अगला क्या है, देखिए कार्बन रिडक्शन एंड सेल्फ रिडक्शन, दो प्रोसेस हमारे और बचते हैं। तो देखिए, जो कार्बन रिडक्शन है वो क्या होता है, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। तो गाइज इस प्रोसेस के अंदर रिडक्शन किया जाता है कार्बन की हेल्प से, कैसे, जो मेटल का ऑक्साइड है या फिर मेटल का जो ओर है इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ या फिर विद द हेल्प ऑफ हीटिंग एंड कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है गाइस। तो कार्बन रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि कार्बन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होता है एंड जो मेटल ओर है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं हीट करके, ओके। तो गाइस ये केवल लेस रिएक्टिव मेटल्स को या फिर एलिमेंट्स को ही क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्योंकि जो एलिमेंट्स कार्बन से लेस रिएक्टिव है या फिर हम कह सकते हैं कि जिनको कार्बन रिड्यूस कर सकता है उनको ही ये क्या करता है, उनको ही कार्बन रिडक्शन के लिए अलाउ करता है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम से नीचे होते हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं एज ए कार्बन रिडक्शन एलिमेंट्स। तो उनके अंदर कार्बन करता क्या है कि जैसे मेटल है, रिएक्शन से अगर हम स्टडी करें तो मेटल का ऑक्साइड है, अब उसके साथ हमने कार्बन ऐड कर दिया, ओके। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मेटल रिलीज होगा प्लस CO2 या फिर CO
बन जाएगा, डिपेंड करता है कि मेटल ऑक्साइड कैसा है। ओके गाइज, तो ये केवल लेस रिएक्टिव के लिए काम करता है, ये इसकी कमी है। एंड जो मोर रिएक्टिव होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से हम उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब आता है गाइज सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस, सेल्फ रिडक्शन। तो गाइज सेल्फ रिडक्शन नाम से क्लियर है कि मेटल जो है वो अपने ही कंपाउंड से क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो लाइक इसके अंदर क्वालिटीज या फिर इसकी कंडीशंस क्या होती हैं कि जो सल्फाइड ओर्स होते हैं, देखिए सल्फाइड ओर्स किसके, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के, ऑफ लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स। तो जो ऐसे मेटल्स होते हैं वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में ज़्यादा विलिंग नहीं होते हैं, ठीक है गाइज, तो वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कहलाते हैं। लाइक कैसे है, एच जी मरकरी, पी बी लेड एंड सी यू कॉपर। तो जो ऐसे मेटल्स हैं उनको क्या करता है ये सेल्फ रिडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, और उनका जो सल्फाइड ओर होता है, ठीक है, उसको हीट किया जाता है, इज हीटेड इन एयर टू कन्वर्ट, देखिए सल्फाइड ओर है और उसको उसको हम हीट कर रहे हैं एयर के अंदर, तो किस किस में कन्वर्ट हो सकता है, टू कन्वर्ट एज सल्फेट या फिर ऑक्साइड। ओके गाइस, तो वो उसका या तो सल्फेट बन जाएगा सल्फाइड से या फिर उसका ऑक्साइड बन जाएगा। एंड जो ऑक्साइड या फिर सल्फेट बनेगा वो क्या करेगा, यहाँ पर जो सल्फेट या ऑक्साइड बन गया वो जो पहले सल्फाइड ओर प्रेजेंट था उसी के साथ फिर से रिएक्शन करेगा, एंड वो क्या कर देगा, मेटल प्रेजेंट करेगा। लाइक कैसे करेगा, देखिए अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे पीबी है हमारा, ठीक है, उसका सल्फाइड है पीबीएस, उसको हमने हीट किया किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, ये हमारा पीबीओ बनाएगा। ओके, एंड यहाँ पर इसके साथ रिलीज हो जाएगा एसओ टू। ओके, तो यहाँ पर देखिए बैलेंस अगर हम इसे करें तो 2 mols of O2 अगर मैं ले लेता हूँ तो 4 oxygen इस साइड हो गए हैं एंड यहाँ पर 3 है, तो इसको मैं अगर बैलेंस करना चाहूँ तो बैलेंस इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, देखिए बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 mol SO2 के लेने पड़ेंगे, तो यहाँ से 2 sulfur हो गए एंड उसको फिर बैलेंस करने के लिए PbS के 2 mol हो जाएंगे एंड फिर इस PB को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 हो जाएंगे। अब बचता है केवल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, तो 6 है, तो इस 2 को मैं 3 कर दूंगा ताकि ये 6 oxygen बैलेंस हो जाए। तो अब देखिए इसके अंदर बात क्या है कि जो PbS से हमने PbO बना लिया है, अब ये जो PbO बना है ये नेक्स्ट PbS के साथ ही रिएक्शन करेगा और क्या करेगा, हमें PB दे देगा। लाइक PbS प्लस PbO अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये PB प्लस SO2 हमें क्या कर देगा, रिलीज़ करवा देगा। तो लाइक इसके अंदर अगर हम बैलेंस इक्वेशन देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 mols of PbO ले लेंगे एंड 3 PB हमारे बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो ये क्या हुआ कि PB हमें प्योर फॉर्म में यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके मिल गया, सेल्फ रिडक्शन हो गया। यहाँ पर PB जो था वो प्लस 2 में था, यहाँ भी प्लस 2 में था एंड यहाँ पर 0 oxidation स्टेट पे है, तो वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया आपस में ही दोनों PB के कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके। तो गाइस ये होता है सेल्फ रिडक्शन। अब हम अगर हमारे कॉलम्स के अंदर देखें तो क्या दे रखा है, देखिए Cu2S से Cu2O बनाना है। तो रोस्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि सल्फाइड ओर्स को हम क्या करते हैं, ऑक्साइड ओर्स बनाते हैं जो कि रोस्टिंग के अंडर आता है। ओके गाइस, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, हमारा पी आंसर हो जाएगा इसका। तो हम क्या कह सकते हैं कि Cu2S से जो Cu2O बना है वो रोस्टिंग होता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आता है CaCO3 से CaO बनाना, मतलब कार्बोनेट ओर से ऑक्साइड बनाना CaCO3 से CaO, वो गाइज कैल्सिनेशन के अंडर आया था जो कि एब्सेंस ऑफ हीटिंग में हमने किया था। जैसे कि CaCO3 को अगर हम हीट करेंगे तो ये CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। ओके, तो ये हमारी रोस्टिंग के बजाय कैल्सिनेशन का पार्ट होगी, तो इसके अंदर आंसर हमारा क्या जाएगा, क्यू। नेक्स्ट आता है ZnS से ZN की फॉर्मेशन। तो गाइस ZnS जो है उससे हमें ZnS से जिंक सल्फाइड है, तो पहले हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर बैलेंस इक्वेशन हम देखें तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करेगा, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के लिए यहाँ पर कितने हमें ऑक्सीजन चाहिए, O2 जो मोलिक्यूल्स हैं, तो SO2 जब निकलेगा तो हमारे ऑक्सीजन टोटल हमारे
बढ़ जाएंगे, ताकि जो कि मतलब यहाँ पर एक ऑक्सीजन फालतू है तो हमें इसको डबल में लेना पड़ेगा लाइक, तभी वो ऑक्सीजन बैलेंस हो पाएगा। तो दो सल्फर यहाँ पर है, दो यहाँ पर कर दिए, तो यहाँ पर दो जिंक हो गए, अब हमने दो से मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, अब केवल ऑक्सीजन बचे हैं, तो दो और दो चार और दो छः ऑक्सीजन यहाँ है और यहाँ दो है, तो इसको हम तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, अभी जिंक सल्फाइड से केवल जिंक ऑक्साइड बना है। तो पहला पार्ट क्या हो गया कि रोस्टिंग तो इसके अंदर आ चुकी है, नेक्स्ट हमें लाना है जिंक। तो जिंक कैसे लेके आएंगे, जो जिंक ऑक्साइड है उससे हम ला सकते हैं जिंक, ठीक है गाइज। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक लाने के लिए हमने क्या करना है, कार्बन रिडक्शन करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ कार्बन रिडक्शन करेंगे तो जो मेटल है वो अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर अलग निकल जाएगी। तो ये हमारी क्या हो गई, कार्बन रिडक्शन, ओके गाइज। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, रोस्टिंग और कार्बन रिडक्शन दोनों इसमें आ गए हैं, तो पी रोस्टिंग और आर कार्बन रिडक्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी और आर, ओके गाइज। अब आता है पी बी एस से पी बी, जो कि डी वाला पार्ट है, तो पी बी एस से पहले हम पी बी ओ बनाएंगे, देन इसका पी बी बनाएंगे, ओके गाइज। तो देखिए इसको हम पहले क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, क्योंकि सल्फाइड ओर है, सबसे पहला काम है हमारा रोस्टिंग करना, ठीक है। तो रोस्टिंग करेंगे अगर पी बी एस की, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये करेगा एंड हमें क्या कर देगा, ऑक्साइड ओर्स दे देगा, ठीक है। तो इसकी भी हम अगर बैलेंस इक्वेशन लिखना चाहें तो वो जिंक की तरह ही बनेगी, तो 2PbS और 3O2 के मॉलिक्यूल्स अगर रिएक्ट करेंगे तो 2PbO प्लस 2SO2 गैस हमें मिल जाएंगे। अब आता है कि PbS से PbO हम बना चुके हैं, ठीक है गाइज। अब इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, पहले तो इसका नाम लिख दूँ, रोस्टिंग तो हमने कर लिया है, अब इसको दो तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं कि जो PbO आ चुका है उसको या तो मैं कार्बन रिडक्शन कर दूँ और वहाँ पर PbO प्लस CO बन जाए जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है गाइज। तो ये तो हो जाता है कार्बन रिडक्शन की हेल्प से, क्योंकि ये भी लेस रिएक्टिव मेटल है। दूसरा केस आता है कि जो PbO बन चुका है वो सेल्फ रिडक्शन में भी बिलीव करेगा, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो PbO क्या करेगा, PbS के साथ मिलकर PbO जो है, दो मॉलिक्यूल्स वो तीन PbO यहाँ निकल जाएंगे एंड SO2 मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो गाइज ये जो 3PbO हमारा मेटल मिल गया हमें, एक्सट्रैक्शन यहाँ भी हो चुका है, तो यहाँ PbO की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, प्लस टू, यहाँ भी प्लस टू और यहाँ जीरो, तो दोनों में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट थी, प्लस टू और यहाँ जीरो हो गई, तो रिड्यूस हो गए ना दोनों, तो ये क्या हो गया, सेल्फ रिडक्शन के अंडर आता है गाइज, हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसके जो थर्ड वाला, फोर्थ वाला जो पॉइंट है, इसके अंदर रोस्टिंग भी है, कार्बन रिडक्शन भी है एंड सेल्फ रिडक्शन भी है, ठीक है गाइज। तो अगर हम इसके अंदर ऑप्शंस में देखें तो रोस्टिंग क्या है, पी वाला पॉइंट है, कार्बन रिडक्शन आर वाला है और सेल्फ रिडक्शन एस वाला है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके आंसर में, पी आर और एस को मैच कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो ये हमारे आंसर्स होंगे, ओके, अच्छे से समझ में आए होंगे, सारे प्रोसेसेस को याद कर लेना, थैंक यू गाइज। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।